नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचारों में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। आज बिदर में अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे मनाया गया। बिदर जिला प्रभारी प्रभु चौहान ने विविध विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कर्नाटक में 95% के करीब पहुंची रिकवरी दर। ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला, पहली खुराक के बाद बताया उप मुख्यमंत्री अश्वथ नारायण ने। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री होंगे शामिल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे मनाया गया। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ सचिव, जज और जिला कानून सेवा प्राधिकरण के सदस्य ने कहा कि कोई भी नशीली पदार्थ बेचना गैरकानूनी है। युवा और बच्चों को नशीली पदार्थ की लत से दूर रहना चाहिए। यह नशा कई परिवारों को नष्ट करता है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवी रेड्डी ने भी बात की। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने जिले में विविध विकास कार्य योजनाओं का शुभारंभ किया। वह एक दिन में लगभग 14 ग्रामों को भेंट देकर सरकार की विकास कार्य योजनाओं को शुभारंभ कर स्थल पर मौजूद रहे अधिकारियों को कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता करने की सलाह दी है। देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य में बीते एक दिन के दौरान कोविड के 3,310 नए मामले सामने आए हैं। अब तक संक्रमित कुल 28,26,754 लोगों में से 26,84,997 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 6,524 लोगों को शुक्रवार को छुट्टी मिली। 107,195 मरीजों का उपचार जारी है। राज्य में कोविड के अब तक कुल 34,539 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 114 मौतों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। राज्य में रिकवरी दर 94.98% पहुंची है, जबकि पॉजिटिविटी दर 2.09% और केस फैटिलिटी रेट 3.44% है। उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। अश्वथ नारायण ने ट्वीट कर कहा कि उपरोक्त समूहों के लिए टीकाकरण जुलाई के महीने में संबंधित कॉलेजों में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अधिकारियों के परामर्श के बाद किया जाएगा। कॉलेजों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण से पहले संबंधित संस्थानों द्वारा जारी सत्यापन पत्र जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संस्था में संस्था प्रमुख एवं एक अन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सभी छात्रों को पहली खुराक का टीका लग जाने के बाद ऑफलाइन कक्षा शुरू की जाएगी। सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है और इसे डिजिटल मोड से जारी रखा जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए भी उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार डेल्टा प्लस मामलों को लेकर सतर्क है और मौजूदा टीके इस प्रकार के वायरस के खिलाफ भी प्रभावी है। कोविड को दूर रखने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि सरकार इस दिसंबर के अंत तक सभी को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने 1,00,000 अधिवक्ताओं और उनके परिवारों का टीकाकरण करने के लिए कदम बढ़ाया है। टीकाकरण में उन पेशेवरों को प्राथमिकता दी जा रही है जो अधिक संख्या में लोगों के संपर्क में हैं। राज्य बार काउंसिल में विशेष टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद गुरुवार को यह मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि सरकार इस दिसंबर तक सभी को टीका लगाने के लिए सभी उपाय कर रही है। वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है, नहीं तो हमें हर समय मास्क पहनना होगा। कोरोना और मास्क से मुक्त होने के लिए जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। कर्नाटक में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को और भी कम हो गई, जब 3,310 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं राज्य में 6,524 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले घटकर 107,195 हो गई। वहीं संक्रमण से 1,114 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.09% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 614 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहाँ 17 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 1,401 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7।
डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24x7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयास खान जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयास खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयास खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयास खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयास खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24x7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयास खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयास खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। समाचार देश और दुनिया के। भारतीय सेना ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के हटने से कुछ आतंकवादी कश्मीर में घुस सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। श्रीनगर से 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने शुक्रवार को यह JAKLI रेजिमेंटल सेंटर में एक पासिंग आउट परेड के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो तथाकथित आजादी के शौकीन हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि LOC के पार और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर क्या स्थिति है। 30 साल पहले जो कुछ भी हुआ उससे कश्मीर के लोगों को भारी परेशानी हुई। हाँ, संभावना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका सेना के बाहर निकलने से कुछ आतंकवादी कश्मीर में आ सकते हैं, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसी 30 साल पहले थी। हम सभी प्रयासों को विफल करने और LOC या भीतरी इलाकों में हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्री परिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से लगातार मंथन का दौर चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 48,698 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 64,818 लोगों ने कोरोना बीमारी को मात दी है, जबकि 1,183 मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के बाद पिछले साल कोरोना की शुरुआत से अब तक इस संक्रमण के कुल 3,01,83,143 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,91,93,085 लोगों की इस संक्रमण से उबरने में सफल रहे हैं, जबकि 3,94,493 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,95,565 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से गोवा के मडगांव जा रही राजधानी एक्सप्रेस शनिवार सुबह रत्नगिरी के पास करबुड़े सुरंग में पटरी से उतर गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान कोई हाथाहात नहीं हुआ। जिस जगह पर ट्रेन पटरी से उतरी वह मुंबई से 325 किलोमीटर दूर है। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 02414 मडगांव जा रही थी। वहां तभी तड़के करीब 4:15 बजे मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर करबुड़े सुरंग में पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई।
अधिकारी ने कहा, कोंकण रेलवे के रत्नागिरी क्षेत्र में उक्षी और भोके स्टेशन के बीच स्थित करबुड़े सुरंग में राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन के लोकोमोटिव का अगला पहिया पटरी से उतर गया। 5 दुर्घटना स्थल पर एक रेल रख रखाव वाहन पहुंच गया है और ट्रेन को फिर से पटरी पर लाने के उपकरण के साथ एक दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन रत्नागिरी से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। उन्होंने कहा, कोंकण रेलवे के अधिकारी भी लाइन को साफ करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया है। दलालों से मुक्ति पाने के लिए रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC पर यात्रियों के लिए लॉगिन ब्यूरो से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे पहचान पत्रों को लिंक करने की योजना बना रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कुमार ने यहां प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पहले दलालों के विरुद्ध कार्यवाही मानव खुफिया सूचना पर आधारित रहती थी, जिसका जमीनी स्तर पर बहुत कम या नहीं के बराबर असर होता था। उन्होंने कहा, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भावी कार्य योजना यह है कि आखिरकार हमें टिकट के लिए लॉगिन को किसी पहचान पत्र जैसे पैन या आधार कार्ड या किसी अन्य सबूत से जोड़ना होगा, जिसके नंबर का इस्तेमाल यात्री लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ताकि दलाली पर हम पूर्ण विराम लगा सके। उन्होंने पिछले 2 साल में RPF द्वारा किए गए कार्य के बारे में कहा, यह हमारी भावी योजना है। हमें पहले नेटवर्क तैयार करना होगा। हम आधार के प्राधिकारियों के साथ अपना कार्य करीब पूरा कर चुके हैं। जब यह व्यवस्था बन जाएगी, हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि कोरोना वायरस का भारत में पहली बार पाया गया डेल्टा स्वरूप अब तक का सबसे संक्रामक प्रकार है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक स्वरूप कम से कम 85 देशों में फैल रहा है। शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि गरीब देशों में टीके की अनुपलब्धता डेल्टा स्वरूप के प्रसार में सहायक सिद्ध हो रही है। एक बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि अमीर देश विकासशील देशों को तत्काल टीका नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा, वे गरीब देश निराश है क्योंकि उनके पास टीके नहीं है। घेब्रेयेसस ने कहा, अगर टीका नहीं तो आप क्या साझा करोगे। समाचार फिल्मी नगरी के। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि NCB पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर उनसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा, NCB पटना के अधिकारियों ने इस मुद्दे के साथ ही बिहार में सार्वजनिक चिंताओं से जुड़े विषयों को लेकर मुझसे संपर्क किया है और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे अभियानों और जागरूकता का प्रयास करने के प्रति अपना समर्थन देने में दिलचस्पी रखता हूँ। अंत में समाचार खेल जगत से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम वापस अपने देश पहुंच गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान WTC खिताब का गदा एक खिलाड़ी के कंधे पर नजर आ रहा है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। आज बिदर में अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे मनाया गया। बिदर जिला प्रभारी प्रभु चौहान ने विविध विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कर्नाटक में 95% के करीब पहुंची रिकवरी दर। ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला, पहली खुराक के बाद बताया उप मुख्यमंत्री अश्वथ नारायण ने। BJP मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री होंगे शामिल। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।